वो मणिपुर में बोल गए। आप बताइए मुझे, पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं, 77 दिन हो गए, 77 दिन हो गए, उसके अंदर आपने ये सब नहीं बोला। 50 साल का मेरा अनुभव राजनीति का, अगर एक राज्य में आग लग रही हो पूरे राज्य के अंदर, आग मामूली नहीं हो, आग धधकती आग हो, उसके अंदर आपने जिस रूप में अपने को पेश किया, सुप्रीम कोर्ट के इंडिकेशन मिलते ही मेरे ख्याल सेकेंडों के अंदर बात ख़त्म कर दी अपने, सेकेंडों के अंदर। और मुझे अफसोस है कि काम मणिपुर जल रहा है, कितने लोग मारे गए हैं, 150 लोग मारे गए, 200 मारे गए, 500 मारे, किसी को नहीं मालूम है, कोई 1000 लोगों की बात कर रहा है। वहाँ का मुख्यमंत्री कह रहा है कि आप तो एक रेप घटना की बात कर रहे हो, ऐसी 100 से अधिक घटनाएं हो चुकी है मेरे राज्य के अंदर, और पता नहीं अब आगे 1000 तो उन्होंने बताई, अब तो फिगर आ रहे हैं 3-4 हज़ार FIR लॉन्च हो चुकी है। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने बिहेव किया और जिस प्रकार उन्होंने दुख प्रकट किया और कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर, और मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहूँगा कि आप वहाँ पर ध्यान रखें। बताइए आप, ये प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट करी है। कहाँ तो मणिपुर है जहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, वहाँ क्या नहीं हो रहा है, और वो कहते हैं 140 करोड़ जनता को संसार होना पड़ रहा है, 140 करोड़ जनता को संसार नहीं होना पड़ रहा है। वो तो दुखी है आपके सरकार के कारनामों से, आपकी विफलताओं से, आपकी लापरवाही से। एक बार गृह मंत्री जाके आ गए और तीसरी कर ली, जलते रहे, मरते गए, झोपड़े जल रही है, सब कुछ जल रहा है वहाँ पर, और जो रेप और जो घटना जो आप देख रहे हो क्या क्या नहीं हो रहा है, उनके बारे में आपने खाली चंद सेकंडों में अपनी बात ख़त्म कर दी फॉर्मेलिटी करके। वो खुद नहीं जाते, मान लो PMO मीटिंग बुलाते, बराबर रेगुलर पता करते क्या हो रहा है, प्रोग्रेस क्या है, कंट्रोल कैसे होगा। आप कर्नाटक घूम रहे हो, राजस्थान घूम रहे हो, छत्तीसगढ़ घूम रहे हो चुनाव के अंदर। ऐसा मैंने पहली बार अनुभव किया कि प्रधानमंत्री लेवल का एक गरिमा होती है, प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा होती है, हमारे ऐसा की गर्व की बात होती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, दुनिया के मुल्कों में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वो आदमी मणिपुर हमारा राज्य है ये नहीं बोलना चाहिए, उनकी सरकार है, उनकी सरकार है। अगर वह कांग्रेस सरकार होती तो आप कल्पना कीजिए वो क्या क्या बोलते। तो कहने का मतलब कि ये बातें भी देश में हो रही है जो बहुत दुखद है। मैं जो आज आपके सामने पेश हुआ हूँ, आपको मैं तकलीफ दी है मैंने, वो मैंने विशेष जो कल एक्ट पास हुआ है वो हमारे लिए इतिहास बन गया। नरेगा की बात मैंने छेड़ी है कि नरेगा राइट टू नरेगा दिया है देश को, 4 कानून बना के विशेष सोनिया गांधी ने और मनमोहन सिंह जी ने। आज़ादी के बाद में पहली बार किसी सरकार ने अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी है, उसका लाभ क्या मिल रहा है आप सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो। पूरे देश के अंदर बच्चों को 8वीं तक की शिक्षा फ्री प्राइवेट स्कूलों के अंदर। आपको मालूम होगा, खुशी होगी, राजस्थान सरकार ने 8वीं तक 12वीं कर दी, राजस्थान के पहले गवर्नमेंट देश के अंदर जिसने 12वीं तक भी हमने कर दी है। फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू है राजस्थान, लागू हमने 2 रुपये की बजाय 1 रुपये किलो गेहूँ कर दिया था उस वक्त में भी। हम तो वो फॉलो कर रहे हैं जो कि वहाँ पर फैसले हुए थे। पर कहने का मतलब ये है कि समय आ गया है कि आप विश्व गुरु बनने की बातें कर रहे हो, पहले घर को संभाल लो। जो हमारे देशवासी हैं भुखमरी के शिकार हैं, कुपोषण के शिकार हैं, उनका क्या कर रहे हो, उनके जीने का अधिकार उनको भी है। ये हमने पास जो कानून कल पास किया उसकी भावना भी आप समझ लो वही है कि कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है। संविधान की जो भावना राज्य की नीति निर्देशक डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारे हैं उसमें कहते हैं समान न्याय और निःशुल्क विधिक तत्व, नंबर 1, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार,
और कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। ये आप बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर महान नेताओं ने डिस्कशन किए, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान आया, आज समय आ गया कि हम मांग क्यों करें बार बार। आप लोग गवाह इस बात के, मैं कई बार कह चुका हूँ कि मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, रिक्वेस्ट करी है कि चार कानून बनाए मनमोहन सिंह ने, पांचवा आप बनाइए, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, उसमें सब बात आ जाएगी, सब बातें आ जाएगी, पेंशन भी आ जाएगा, गारंटी मिले लोगों को। वो वक्त आ गया कि आप सोशल सिक्योरिटी का नाम दीजिए, उस अम्ब्रेला के अंदर तमाम बातें आएगी, उससे हर परिवार देश का। अब कई बार कई गलतियां होती हैं, छूट जाते हैं, कहीं आते हैं कहीं नहीं आते, कि जब मालूम नहीं पड़ती है। कानून बन जाएगा तो इस देश के हर परिवार को सुरक्षा मिलेगी, जिस प्रकार दुनिया के मुल्कों में मिलती है, विदेश मंत्री प्रधानमंत्री इतने मुल्कों में जाते हैं तो मुझसे ज़्यादा हजार गुना ज्ञान ज़्यादा उनका है, उसका उनको उपयोग करना चाहिए, अपने अनुभवों का ज्ञान का उपयोग करें वो। और जो दुनिया के मुल्कों में सोशल सिक्योरिटी लागू, चाहे जर्मनी है, चाहे वो इंग्लैंड है, अमेरिका है, जो भी है यूरोपियन कंट्रीज है, उनका अध्ययन करवा लें। उसके बाद में इस देश के लिए, जब 140 करोड़ की बार बार वो बात करते हैं, 140 के आंकड़े उनको पक्के याद हो गए हैं, तो क्यों नहीं वो जो है उसी ढंग का जो हम संभव हो सकता है वो यहाँ एक्ट लागू करें। सोशल सिक्योरिटी मेन बात ये है, और वही भावना जितनी हम कर सकते हैं, जितनी हमारे स्थिति है राज्यों की, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले मैंने इंदिरा गांधी के नाम से शहरी रोजगार योजना चालू करी, देश में एक दो राज्य मुश्किल जो होगी उनका अनुभव हमने लिया। आज हम जो एक्ट लाए हैं महात्मा गांधी के नाम से, मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट, उसके अंतर्गत जो आज 100 दिन का रोजगार तो नरेगा में है, 25 दिन की गारंटी हमने दी है। All right, with that, we're going to be heading into a very short break, but do stay tuned because there's more on the other side.